हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और सबकी प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी यू पी एस सी पी एफ़ ओ की या जो भी एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स आजकल बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब कोरोना के समय में अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और कम से कम जो है लोगों से जाकर मिल रहे होंगे लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ज़रूरी है सोशल ट्रस्ट भी तो दोस्तों जैसे कि वादा किया है आपसे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके लिए ई के लिए इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजंस फॉर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन अब आप में से कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इट इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तो हमें क्यों रीजन्स पढ़ने की जरूरत है मुझे बिल्कुल याद है आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होना है रीजनस पढ़ने की जरूरत इसीलिए है इसमें कहीं पर कुछ नाम आते हैं कुछ थ्योरिस्ट के नाम आते हैं उन्होंने कुछ बातें करी थी रीजन उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए थे हमें उन राइटर्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि पिछला जो आपका दो का एग्जाम था तो थ्योरी स्पेसिफिक क्वेश्चन इस तरह के आए थे कि कौन सी थ्योरी किसने दी या कौन सी बात किसने कही तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्लस आपको एज मिल जाता है क्योंकि यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स यूपीएससी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है तो थोड़ा सा वहां पर आपको आइडिया होना चाहिए तो आज हम करेंगे रीजन फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियंस इससे पहले जो हमने किया है पहले हमने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन हम ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चलूंगा मैंने आपको थ्योरीज पहले इसीलिए कराई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए अब हम रीजन देखेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस भी देखेंगे आज का लेक्चर रीजन को कंसर्न करेगा इससे पहले हम और आगे चलें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अब से आपको जो है क्लासेस पूरे शेड्यूल के ऊपर मिलेंगी काफ़ी बच्चों ने हमसे कहा था कि सर शेड्यूल पर क्लासेस दीजिए तो प्रॉपर हमने एक शेड्यूल जो है डिज़ाइन किया है और ये शेड्यूल एक हफ्ते का शेड्यूल आपको मिला करेगा और इस एक हफ्ते में ये शेड्यूल के हिसाब से आपकी क्लासेज चलेंगी तीन क्लासेज आपको रोज़ मिलेंगी एक आपकी थ्री थर्टी पर रहेगी एक आपकी सिक्स पी पर रहेगी और एक आपकी टेन पी पर रहेगी ये जो क्लासेज रहेंगी बच्चों फिलहाल के लिए इस हफ्ते के लिए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेंगी ठीक है आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाए करेंगी इस समय आप अगर आएंगे तो आपको वीडियो आपकी अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब के ऊपर प्ले बनी हुई है हर सब्जेक्ट की आप प्ले में जाकर के चेक कर सकते हैं और आप हमारे पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए आपको रेगुलरली अपडेट्स भी आते रहेंगे तो आज मंडे इंडस्ट्रियल एंड रिलेशन एंड लेबर लॉ की मिल रही है फिर छह बजे आपको साइंस की मिलेगी जनरल साइंस बीस क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ईपीएफओ में ठीक है पंद्रह से बीस क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको शिल्पा मैम कराएंगे वो आप बहुत अच्छे से आपको साइंस में लेकर चलेंगे उसके बाद सोशल सिक्योरिटी आपको दस बजे क्लास मिलेगी आज ठीक है इट विल बी अगेन टेकन बाय मी माय नेम इज केतन गर्ग, ऑल राइट right. तो ये क्लास में लूंगा इसी तरह से आपका जो है प्रॉपर शेड्यूल चलेगा ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप हमारी जाएंगे यूट्यूब का हमारा चैनल खोलेंगे वहां पर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये शेड्यूल भी मिल जाएगा ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने यहां पर कवर करने की कोशिश की है चलिए तो आज हमने क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं बेसिकली बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रीजन दिए कि ट्रेड यूनियन को क्यों ज्वाइन करना है उसमें सबसे पहले रीजन दिए आपके वेडिंगटन और विटसन साहब के भाई साहब ने इनका बारे में देखेंगे इन्होंने क्या कुछ कहा और फिर और यंग बिल्ड मॉडल है एक स्क्यूलर या स्क्यूलर जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं उन्होंने एक मॉडल दिया है उसके बारे में भी हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू यानी कि वेडिंगटन एंड विटसन ने जो आपके रीजन दिए हैं उन्होंने दो रीजन यहां पर बताए हैं एक वो कहते हैं कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रहा है कोई भी वर्कमैन जो है या कोई भी जो लेबर पर्सन है वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रहा है उसके पीछे एक कारण होता है उसका इंडिविजुअल बेनिफिट अब इंडिविजुअल बेनिफिट में क्या आ जाता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हमने थ्योरीज में भी देखा काफी थ्योरीज में महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी में भी देखा महात्मा गांधी ने भी अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी में क्या कहा था यही कारण है कि मैंने आपको पहले थ्योरीज कराई है ठीक है अगर आप बुक्स देखेंगे लॉ की जो बुक्स देखेंगे उसमें रीजन फॉर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन पहले होगा उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन होगा उसके बाद थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन होगा लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको जैसे

में में, तो आ आ आ गया, जो नई नई रही है, आ रही हैं, हैं उससे इनको इनको मिले, एजुकेशन इनको मिले, ठीक है, बाकी के जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं लाइक फ्री लीगल एडवाइस अब ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, ये फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं वर्कर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इन टाइम ऑफ नीड लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है दूसरा रीजन जो डब्ल्यू एनडब्ल्यू ने आप, आपको दिया है वो है कलेक्टिव रीजन लोग ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं जैसे कि म्यूचुअल सपोर्ट मिल जाता है ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर आप 20 लोगों की यूनियन को इसलिए ज्वाइन करते हो ताकि आपको म्यूचुअल सपोर्ट मिले ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अकेले ना रह जाओ आपको बाकियों का साथ भी मिलेगा वेजिस इंप्रूव कराने के लिए ठीक है क्योंकि आप अगर अकेले अब ओनर के पास जा रहे हो कि सिर्फ मेरी वेज बढ़ा दो तो मोस्ट प्रोबेबली डिनाए ठीक है लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के थ्रू एक यूनियन के थ्रू अपनी डिमांड्स रखते हो तो बेटर चांसेस हैं कि आपकी वेजेस भी इंप्रूव हो जाए आपकी वर्किंग कंडीशन भी बेहतर हो जाए ठीक है पेयर ग्रुप प्रेशर भी है वो भी रहता है एक, आपके ऊपर अगर आपने यूनियन नहीं ज्वाइन किया और आपके बाकी साथियों ने यूनियन ज्वाइन कर ली तो आपको एक नेगेटिव पर्सन समझा जाएगा आपको एक्सक्लूड रखा जाएगा फिर सारी चीजों से इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप ज्वाइन करो एक सोसाइटल प्रेशर जो है वो भी रह जाता है और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उस यूनियन में अगर बिलीव करते हो तो ये कुछ रीजन थे इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो आपके वेडिंगटन एंड विटसन ने दिए अब वेडिंगटन एंड विटसन ये भी कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखता है वर्कर जब वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है उसमें वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेगा वो दो तरह के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेगा सबसे पहले तो वो देखेगा मॉनिटरी कॉस्ट क्या वो जो ट्रेड यूनियन जो वो ज्वाइन करना चाहता है या जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड यूनियन है वो क्या कुछ पैसे चार्ज करती है कोई मेंबरशिप फीस चार्ज करती है वो मेंबरशिप फीस जो है वो कितनी है वो लो है या हाई है वो मंथली है या एनुअल है या लाइफ टाइम है वो ये भी देखेगा कि उसे हर महीने पैसे भरने पड़ेंगे हर साल पैसे भरने पड़ेंगे या लाइफ में एक बार पैसे भरने पड़ेंगे तो इसको वो एनालाइज करेगा और ये जो खर्चा वो कर रहा है इससे उसको बेनिफिट कितना हो रहा है क्या चांसेस हैं कि उसकी वेजेस बढ़ जाएंगी क्या चांसेस हैं कि उसकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी ठीक है क्या पता कोई वो लेबर हो कोई वर्कर हो वो एक छह महीने से यूनियन को ज्वाइन किया हुआ हो उसने और यूनियन का टारगेट हो कि हम आपकी वेजेस इंप्रूव कराएंगे वो छह महीने से हर महीने पांच सौ पांच सौ रुपए भर रहा है फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल पांच सौ रुपये वो हर महीने मेंबरशिप फीस के भर रहा है छह महीने बाद भी उसकी वेजेज इंप्रूव नहीं हुई वो अब आइडिया अपने माइंड में ये लगाएगा कि मैं छह महीने से पांच सौ भर रहा हूं पर मुझे मिला कुछ नहीं

काम वो ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था अब उतना ही काम उसे यूनियन के लिए करना पड़ेगा और यूनियन उसको कुछ पे भी नहीं कर रही उसके लिए ठीक है तो टाइम कितना लगाना पड़ रहा है उसको उस चीज के ऊपर उसके लिए पर्सनल टाइम बचा ही नहीं और इस चीज के लिए उसको कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रही तो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों को वो देखेगा और फिर वो एनालाइज करेगा कि जो मेरा खर्चा हो रहा है जो मेरी कॉस्ट हो रही है चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी हो उसके मुकाबले मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है ठीक है आप हर चीज में यही सोचते हो आप कोई मोबाइल फोन लेने चाहते हो तो आप कॉस्ट के साथ साथ उसके फीचर्स देखते हो ठीक है कई फोन्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा कॉस्टली होते हैं लेकिन उनमें फीचर्स कम होते हैं और कई फोन ऐसे आपको मिलेंगे वो आपको उससे आधे रेट में मिल जाएंगे लेकिन उसमें फीचर्स ज्यादा होंगे आप क्या एनालाइज कर रहे हो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो कि जितना आप खर्च रहे हो उसके मुकाबले आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है ऑल ओके अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आज का टारगेट आता है वो है हमारा शूलर एंड यंग बैंड वर्ल्ड मॉडल इन्होंने तीन सेपरेट कंडीशन दी जो ये मॉडल है पर्टिकुलर मॉडल है देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि ये पर्टिकुलर मॉडल जिसमें इंडिविजुअल बेनिफिट और अभी हमने जैसे वाला जो मॉडल देखा उसमें आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता था कि इंडिविजुअल बेनिफिट और कलेक्टिव बेनिफिट ये दो जो है कंसर्न होते हैं रीजन होते हैं किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने के ये किसने दिया है नीचे चार ऑप्शन होंगे आपको आंसर देना होगा ओके तो स्यूलर एंड यंगबल ने भी तीन सेपरेट कंडीशन बताई जो इंप्लॉय के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने के लिए वो क्या थे पहला ये कहते हैं कि क्या इंप्लॉय सेटिस्फाइड है इंप्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है दूसरा इंप्लॉय की पावर कैसी है पावरलेसनेस ठीक है इंप्लॉय में इंप्लॉय पा, के पास किस तरह की पावर है तीसरा इंप्लॉय क्या इंस्ट्रूमेंटालिटी है अभी ये तीनों जो फीचर्स हैं, इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल में समझते हैं कि ये क्या समझाना चाहते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका ऑफ तो ये जो ये जो मॉडल है 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 कहता कि दो दो चीजों के दो टाइप के के टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर डिपेंड करती है. किसी भी इंप्लॉय की जो सेटिसफेक्शन है वो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब ये इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज की बातें करता है जैसे कि वेजिस कितनी मिलेंगी ठीक है कितने घंटे काम करना है दिन में ये सारी बातें होती हैं आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में

सैटिस्फैक्टरी है आपको क्वेश्चंस पूछने की जो है वो आजादी नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरी अगर सैलरी लेट हुई तो आप वहां पर जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकते जो मैनेजमेंट है उससे कि मेरी सैलरी क्यों लेट हो रही है ठीक है मैनेजमेंट इसको अपना जो है वो समझेगी कि डिसग्रेस समझेगी और आपको जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना शुरू कर देगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वर्किंग कंडीशन कैसी है सुपरविजन क्या जो सुपरवाइजर है वो फ्रेंडली है या वो सिर्फ बॉसी है वो आपको गालियां निकाल रहा है आपको कुछ खुद से एम्पावरमेंट है कुछ डेमोक्रेसी है कुछ फ्रीडम है अपना काम करने की तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है अब इन दो चीजों के ऊपर जो है इंप्लॉय की सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है अब ये वाली जो इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली है ना इसको फिर भी इस सेटिस्फेक्शन को फिर भी मेंटेन करना आसान है लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल है ना इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए एम्प्लॉयर को प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कि कहां क्या उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हैं या नहीं है नेक्स्ट आ जाता है आप, आपका पावरलेसनेस अब पावरलेसनेस क्या होता है अब देखो कोई भी एम्प्लॉई यूनियन को सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करेगा कि वो डिससैटिस्फाइड है ठीक है सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करेगा अगर उसको डिससेटिस्फेक्शन है तो वो पहले क्या करेगा वो पहले उसको खुद से रिजोल्व करने की कोशिश करेगा क्योंकि यूनियन को ज्वाइन करने के देखो खर्चा तो होएगा ही ना बहुत मॉनिटरी कॉस्ट भी है हमने देखा और नॉन मॉनिटरी कॉस्ट भी है तो वो इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता जो एक वर्कर क्लास है जो लेबर क्लास है वो आदमी लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं वो लफड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता वो पहले क्या कोशिश करेगा कि वो खुद से इसको रिजोल्व करने की कोशिश करे खुद से रिजोल्व करने के लिए वो क्या करेगा वो इंप्लॉयर के पास जाएगा वो कहेगा देखो यार मेरी सैलरी कम है बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी मिल रही है तो मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए या मेरी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है वहां पर साफ सफाई नहीं होती जहां पर मैं काम करता हूं तो आप उसको टेक करके अगर इंप्लॉयर उसकी इनके सिचुएशन को मान लेता है तो उसको जरूरत ही नहीं है इस ट्रेड यूनियन के लफड़े में पड़ने की ठीक है अब उसकी बात मानेगा मानेगा, या नहीं माने उसकी बात को वेटेज देगा या नहीं देगा ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी जॉब की एसेंशियलिटी और एक्सक्लूसिविटी के ऊपर अब ये जॉब की एसेंशियलिटी और एक्सक्लूसिविटी क्या होती है एसेंशियलिटी होती है कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो कितना क्रिटिकल है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन को चलाता है सिर्फ उसी बंदे को वो मशीन ऑपरेट करनी आती है और किसी को वो मशीन ऑपरेट ही नहीं करनी आती तो अब अगर ये जो पर्सन है जिसको मशीन ऑपरेट करनी आती है जो मशीन का ऑपरेटर है अब इंप्लॉयर को पता है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि मुझे आसानी से नहीं मिलेगा मतलब कि ये जो काम कर रहा है ये बहुत एसेंशियल काम है मशीन ऑपरेशन का ठीक है तो मशीन ऑपरेशन का काम इंपॉर्टेंट है ये हो गया एसेंशियल और क्योंकि मशीन ऑपरेटर उसको दूसरा मिलेगा नहीं ये होगी एक्सक्लूसिविटी क्योंकि कोई उसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता यही दूसरी जगह अगर कोई दूसरा इंप्लॉय है वो क्या कर रहा है वो डस्टिंग का, का काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल साफ सफाई का, का काम कर रहा है क्लीनलीनेस का काम का कर रहा है अब क्लीनलीनेस का कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव काम तो होता नहीं अगर अब जो डस्टिंग करने वाला बंदा है वो इंप्लॉयर के पास जाए कि भाई मैं काम छोड़ दूंगा तेरा नहीं तो मेरी सैलरी बढ़ा दे तो इंप्लॉयर कहेगा ठीक है छोड़ दे क्योंकि उसे पता है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है वो इजीली इजिली इसके काम को रिप्लेस करने के लिए दूसरे बंदे को लेकर आ सकता है और ऐसा भी नहीं है कि ये क्रिटिकल है अगर दो दिन साफ सफाई नहीं होगी झाड़ू नहीं लगेगी तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगी ठीक है तो बार्गेनिंग अब हम यहां पर बात करते हैं बार्गेनिंग की टर्म हम यहां पर यूज करते हैं बार्गेनिंग की अब किसी की किसी भी इंप्लॉय की जो बार्गेनिंग पावर है वो डिपेंड करती है कि उसकी जॉब कितनी एसेंशियल है और वो जो उसके जो उसके पास जो टेच है या जो उसकी क्वालिटीज क्वालिटी इंप्लॉय की या जो उसे काम आता है वो कितना एक्सक्लूसिव है ठीक है अगर ये है कि भाई हर कोई कर सकता है फिर उसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं है ठीक है अब अगर हम यहां पर लॉ पढ़ा रहे हैं आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो लॉ पढ़ाने वाले और भी बहुत लोग हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ बहुत पढ़ा रहे हैं ईपीएफओ e का पेपर आया उसके बाद मधुमक्खी की तरह सब लोग आ गए पढ़ाने के लिए पर क्या वो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं एक्सक्लूसिविटी है वो चीज आपको डिपेंड करती है ओके अब जैसे कि मैंने आपको बताया अगर एसेंशियलिटी भी लो है और एक्सक्लूसिविलिटी लो है तो तो इंडिविजुअल अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसे केस में ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी एसेंशियलिटी भी लो है और एक्सक्लूसिविटी भी लो है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जाकर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर ले ठीक है क्योंकि ना उसका काम एसेंशियल है ना एक्सक्लूसिव है तो उसके वो सेल्फ बार्गेनिंग मोड पर नहीं जा सकता ठीक है क्योंकि यहां पर वो खुद से अपनी डिससैटिस्फैक्शन को रिमूव नहीं कर पाएगा और इस स्टेट को क्या कहते हैं इट इज द स्टेट ऑफ पावरलेसनेस क्योंकि वो खुद से कुछ अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो इसको क्या कहेंगे स्टेट ऑफ पावरलेसनेस ओके एंड इट इज अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इंप्लाय वुड विश टू ओवरकम हिज डिसेटिस्फेक्शन थ्रू मीन इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग यूनियन क्योंकि उसके पास खुद के पास तो कोई पावर है नहीं तो वो यूनियन को ज्वाइन करना ही बेहतर समझेगा और यह सारी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूं मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताना भूल गया यू डू नॉट है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे पहला लिंक ही है वहां पर उस लिंक को खोलिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा बिल्कुल भी उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिवॉर्ड्स दैट दीज यूनियन सिक्योर फॉर देम उनको अच्छी कंडीशन आ जाती हैं उनके पास वेजेस सिक्योर हो जाती हैं जॉब सिक्योर हो जाती है, है। इसीलिए वर्कर्स जो है अपने आपको बाउंडेड फील करते हैं यूनियन से ठीक है तो अब वो तभी अपने आप को बाउंडेड फील करेगा जब वो ये डिटरमाइन कर ले कि जो यूनियन है वो इंस्ट्रूमेंटल है उसकी dissatisfaction हटाने में जैसे कि हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखा था कि वो जो यूनियन को ज्वाइन कर रहा है तो वो डिससेटिस्फेक्शन हटाने में हेल्पफुल है या नहीं है ठीक है और इसी के लिए वो कॉस्ट बेनिफिट जो है देखेगा ठीक है कि कॉस्ट जो है वो आउटवे कर दे बेनिफिट को अगर वो कर बेनिफिट जो है वो आउटवे कर दे कॉस्ट को जैसे हमने आ, Winston के मॉडल में भी देखा था मॉडल में भी देखा था तो वो बात यहाँ पर स्कूलर के मॉडल में भी मिलेगी देखने को मैं बोल रहा हूं, आप जो है, वो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में से ठीक है आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर अगर आप जाते हैं एसई डबल एस डबल इसके ऊपर जाएंगे आप तो आप यहां पर पब्लिक फोरम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं उसी के साथ साथ आप जो है आ, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं आपको इन टू आवर्स जो है जनरली हम रिप्लाई कर देते हैं आपके कमेंट्स में अगर कोई भी क्वेरी होती है जाते समय मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा यह होगा कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे अभी बहुत कुछ शुरू होना बाकी है अभी तो बस शुरुआत है सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय